हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, कभी कभी आपको ऐसा लगता नहीं है कि टैलेंटेड एक्टर या एक्ट्रेस जो भी बॉलीवुड में होते हैं उनको अच्छी मूवीज़ वापस क्यों नहीं मिलती, या फिर उनको ऑडियंस इतना पसंद करती है उसके बाद भी उनको कोई अच्छी मूवी में कास्ट क्यों नहीं करता है? क्या उधर भी बॉलीवुड के अंदर राजनीतिक झोल है? बिल्कुल है, सबको पता है। लेकिन यार, जब कोई आदमी या कोई औरत जो कि एक्टर और एक्ट्रेस है, वो अगर किसी को पैसा कमा के दे रही है, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, सबको और आम जनता को, तो उनको देख के अच्छा पैसा वसूल मूवी बना के दे देते हैं, फिर भी उनको मूवीज़ नहीं मिलती, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अभी आर्टिकल 370 मूवी का रिव्यू मैं आपके सामने करूंगा। वो मूवी मेरे देखने के बाद में मुझे यामी गौतम इतनी अंडररेटेड लगी है। आप देखोगे कि उनकी OMG 2 मूवी आई थी, शानदार मूवी थी, एक्टिंग उनकी एक नंबर थी, और यहाँ पर इन्होंने पुलिस अफसर का जो रोल किया है इस 370 के अंदर भी अपने आप को उन्होंने स्थापित किया है बहुत ही शानदार एक्टिंग के साथ में। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, उनका जितना भी किरदार है, एक तरह से बहुत ही उम्दा काम उन्होंने किया करके दिया हुआ है। अभी ये एक्ट्रेस ऐसे जिन्होंने कश्मीर फाइल्स में भी एक्टिंग की है, बहुत ही बढ़िया एक्टर है। इसके अलावा गाइस, इस मूवी की बात करें, स्पेसिफिक इस मूवी की बात करें, तो जितने भी इसमें एक्टर और एक्ट्रेस लिए गए हैं सब ने अपना काम A1 किया है, सब ने अपने रोल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीवंत किया है। मेन बात यह है कि ये कोई पुरानी स्टोरी नहीं है, थोड़े ही महीनों सालों पहले की कहानी है, और इसके जितने भी किरदार है वो अभी भी मौजूद है। मतलब कि सेम लेवल की कहानी को रिपीट करना काफ़ी मुश्किल होता है। अभी किसी पुरानी की जीवनी दिखा रहे हो तो आपको पता नहीं है कि वो उस टाइम कैसा था, लेकिन अभी के टाइम में अगर मोदी जी की और अमित शाह की जीवनी के बारे ऊपर मूवी बना रहे हैं या उनके ऊपर उनको जिंदा करके उनके रोल को अगर कोई जी रहा है, तो काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है उसकी मिमिक्री एक तरह से करना, क्योंकि लोगों के दिमाग में उनकी छवि छप चुकी है, उसको रिप्रेजेंट करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस मूवी में जिसने भी अमित शाह और मोदी जी का रोल किया, बाकी बहुत ही अच्छा काम किया उसने। इसके अलावा मूवी की कहानी बहुत ही पेचीदा नहीं है, लेकिन जिन लोगों को 370 के बारे में हल्का हल्का सा पता था या कुछ नहीं पता था, वो अगर ये मूवी देखेंगे तो सारी कहानी, सारा माजरा समझ जाएंगे, उसकी बारीकियाँ भी आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ कहाँ 370 को हटाने के लिए प्रॉब्लम्स आ रही थी। सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्दे पर दिखाई गई है, काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो इस मूवी को मैं 5 में से 3.5 स्टार दूंगा। आपको थिएटर में देखनी जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, ये आपके इंटरेस्ट पर है। ये मूवी सबके लिए नहीं है, एक तरह से जिन लोगों को इस टाइप की कहानी स्टोरी पसंद आती है, जिनको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है कि यार उस टाइम क्या हुआ था, घटनाएं, वो सारी इस मूवी में आपको देखने के लिए एक ही बार में 2.5 घंटे की मूवी के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते। बाय।